साइज कितना बड़ा होना चाहिए इसके बारे में काफी सारे सवाल आते रहते हैं और बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अपना साइज छोटा है। मतलब 10 में से कम दो लोग तो ऐसा बोलती है कि हमारा साइज छोटा है और वो हमको बढ़ाने का है। हमारे पास में एक्चुअली यहाँ आते हैं हॉस्पिटल में या व्हाट्सएप के ऊपर फोटो भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं या व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल करते हैं और बताते रहते। मैं बोलता हूँ भैया नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमको तो ये बढ़ाने का ही है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है कि भाई वो पक्का बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए कितना साइज, तो जब वो लूज है, जब ठंडा है, तब 1.5 इंच या कम से कम 1 इंच तो भी चाहिए। 1 से 1.5 इंच में चल जाता है, उसके नीचे नहीं होना, 1 इंच से बिल्कुल नहीं होना जब लूज है। तब जब इरेक्ट है, इरेक्शन है, फुल इरेक्शन, तब तो वो 3 इंच से भी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये एवरेज निकाले हुए हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली क्या होता है कि 12, 13, 14 साल में बच्चा जब पुरुष बनता है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस जब होते रहते तब तो साइज़ फटाफट बढ़ने लगता है। और वो मतलब 1.5 इंच बोला तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 इंच है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। और इरेक्शन में 3 इंच है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर लोगों के मन में इतना पक्का बैठा हुआ है कि नहीं, बाकी लोगों का 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है और मुझे भी बढ़ाने का है। या वो बोलते कि मेरा पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। मतलब ऐसा कैसा कम हो सकता, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न है कम कैसे हुआ। वो ऐसे होता है कि 15, 16, 17, 18 ही उम्र ऐसी होती है कि स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस आते रहते हैं। कोई टच हुआ, कोई विचार आ गया, कोई बहुत ही, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, स्पॉन्टेनियस इरेक्शन। तो क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो इरेक्शन की अवस्था में या सेमी इरेक्शन की अवस्था में रहता है। इसलिए उनको लगता है कि मैं जब जवान था, 19 साल का था, 20 साल का था, तो मेरा बहुत लंबा था, भी छोटा हो गया। जैसे उम्र बढ़ जाती है वैसा इरेक्शन का जो टाइम है 24 आवर्स में, वो कम कम हो जाता है, और अब ज़्यादा उम्र में आदमी एकदम ही कम हो जाता है तो इरेक्शन रहता ही नहीं। तो जब स्पॉन्टेनियस इरेक्शन नहीं है तो दिखता है कि यार अपना साइज़ कम हो गया। तो ये मेन रीज़न है कि जिसके वजह से लोगों को लगता है कि अपना साइज़ कम है। साइज़ बढ़ाने की कोई भी दवाई नहीं है, वो जब इरेक्शन होता है तभी साइज़ बढ़ती है, और वो साइज़ बढ़ाने के लिए टाडालाफिल, सिलानाफिल लेते हैं तो साइज़ बढ़ जाएगी। मगर लूज इसमें साइज़ बढ़ने का कोई तरीका ऐसा नहीं है कि वो दवाई खाई या इंजेक्शन लिया तो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं ऐसा बोलता हूँ लोगों को कि भाई आप ऐसा करो, टाडालाफिल लो, सिलानाफिल लो, हफ्ते में 2-3 बार लो, और उसको ज़रा मालिश करो, ऑयल देता हूँ मैं, वो ऑयल से मालिश करो और थोड़ा सा ऐसा बाहर खींचो। जब आप ऐसा बाहर खींचेंगे, ऐसा बाहर खींच रहे हैं आप, तो ऐसा 4-6 महीने करेंगे तो हो सकता है कि लूज अवस्था में वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो इसे कोशिश कर सकते हैं, जैसे कहा था रबर है, और रबर ऐसा हम तान लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तान लेते हैं छोड़ देते, ऐसा उसमें 1000 बार करेंगे तो वो रबर का साइज़ थोड़ा बढ़ सकता है, वैसा इसका साइज़ बढ़ सकता है। अदरवाइज बाकी साइज़ बढ़ने का कोई 100% तरीका है नहीं। माइक्रो पेनिस यदि है, माइक्रो पेनिस मतलब छोटा सा पेनिस है, अंडर डेवलप पेनिस है कि जिसका डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं है, तो वो पेनिस पे देखना पड़ेगा कि हार्मोनल चेंजेस ठीक है कि नहीं है, हार्मोन्स बराबर है कि नहीं है, स्टडी करनी पड़ेंगी और वो हिसाब से हार्मोन्स देने पड़ेंगे। यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो वो हो सकता है। लोगों के मन में यूजली वो आता है कि भाई पॉर्न में देखा, पॉर्न वीडियोज़ में, और वहाँ जब साइज देखते हैं 6, 7, 8 इंच, 9 इंच, तो उनको लगता है कि अपने भी बड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली वो जो है वो एक्टर्स रहते हैं, वो जानबूझकर उनको सिलेक्ट किया जाता है कि जिनका पेनिस साइज़ लूज अवस्था में भी बड़ा है, ऐसे लोगों को स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है। और ऐसे लोग 1000 में 7 लोग अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं कि जिनका पेनिस बहुत लंबा रहता है, उनको ही लिया जाता है, क्वालिफिकेशन है वो, और फिर उनका इरेक्शन के बाद में और लंबा होता है। फिर लोगों को लगता है कि अपना ये इतना नहीं है, अपना उतना स्टैंडर्ड लोग मानते हैं, तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। साइज़ कितना होना चाहिए, आपको जो मिला हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको मूछ है, दाढ़ी है, कांख में, जांघ में बाल है, बाकी सब डेवलप, आवाज़ बड़ा हो गया है, मोटा हो गया, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल एक बार कर लो, सीमेन की टेस्ट एक बार कर लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को और आपका इलाज कर लेते हैं। अदरवाइज साइज़ के बारे में बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वजायना का मतलब योनि का बाहरी एक तिहाई हिस्सा ही सिर्फ सेंसिटिव रहता है। इसका मतलब यदि योनि 5.5 इंच है, 6 इंच है, तो 1.5-2 इंच जो वजायना का बाहर का हिस्सा रहता है, बाहरी हिस्सा,
वो सेंसिटिव है। इसका मतलब वजाना में, मतलब योनि में लिंग का अंदर प्रवेश हो गया तो उसको ये नहीं समझता है कि लिंग का साइज मतलब लंबाई कितनी है, समझते नहीं स्त्री को, उसको सेंसेशन अंदर है नहीं, उसको सेंसेशन 2 इंच तक का ही है या 1.5 इंच तक का ही है। तो कितना भी लंबा रहा तभी उसको ये समझता नहीं कि कितना लंबा है, उसकी साइज़ कितनी है। अब आप बार 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 पूछेंगे तो एकाधी स्त्री बोल जाती है फिर कि नहीं नहीं वो छोटा लगता है मुझे, सेंसेशन लगता ही नहीं, ऐसा बोल सकती है। अदरवाइज इसमें कोई चिंता का काम नहीं है, साइज़ बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर लो, टेस्ट सब मैंने जो अभी बताया वो नॉर्मल है तो कोई चिंता का काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।